आरक्षण को जो इंक्रीज आरक्षण को रद्द किया है, कैसे देखते हैं इस जजमेंट को? देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गिनती जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिटेर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित। और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS एडजस्टेड 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी, आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम, विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, एक बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को, हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। क्या मुख्यमंत्री से आप बात करके सर्वदलीय बैठक या प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोई ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, अगर होगा नहीं तो हम तो सोचेंगे कि हम चिट्ठी जो है हम कम से कम मुख्यमंत्री को लिखें कि भाई कम से कम आपको, हम लोगों के जो सरकार ने, महागठबंधन ने जो बढ़ाया, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो आप प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, पैर पकड़िए या तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब लोग चलते हैं अनुच्छेद 9 में इसको कराने के लिए।